थाना फलासिया क्षेत्र के इस कत्ल के मुकदमे में आज पुलिस द्वारा सफलता हासिल की गई है। घटनाक्रम इस प्रकार रहा है कि 14 तारीख को मृतक हर्ष कलाल है, उसके पिताजी ने बताया कि 14 तारीख से शाम से वो उसका बेटा गायब है। उसने इसके संदर्भ में पहले थाने में गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी और कल 17 तारीख को वहीं क्षेत्र में चट्टानों पे उसकी डेड बॉडी मिलने पे पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज करके और अनुसंधान प्रारंभ किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए, मामले को चूँकि ये ब्लाइंड मर्डर था, इसको देखते हुए उदयपुर से FSL की टीम और डॉग स्क्वाड भी रवाना किया गया था और मामले के सुपरविज़न के लिए एडिशनल SP अनंत जी को वहाँ के लिए रवाना किया गया, जिन्होंने अपने क्षेत्र के अन्य वरताधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक इनको और थानाधिकारियों को वहाँ बुलाया, जिसमें वरताधिकारी झाड़ोल तो उनके क्षेत्र था ही गिरधर जी और वरताधिकारी कोटा भूपेंद्र जी और DYSP प्रेम धनदे इनको बुलाया और साथ ही अन्य थानाधिकारियों को बुलाया। इन सब की टीम ने कल दिन से लेके और पूरी रात और अब तक मेहनत करके और इस मामले का खुलासा कर दिया है। खुलासे के बाद ये ज्ञात आया कि 14 तारीख की शाम को ही एक संजय परमार नाम का व्यक्ति है जो इससे पूर्व परिचित है, उसने इसको अपने कोई दो अधिकारियों से मिलाने और उनके लिए पार्टी करने की व्यवस्था करने के हिसाब से कहीं बुलाया और वहाँ बुलाकर और संजय परमार ने अपने दो अन्य साथियों के साथ इसके हत्या कर दी। हत्या करके इसकी डेड बॉडी वहीं चट्टानों में फेंक दी और फेंक के ये वहाँ से गायब हो गए। इनकी मोटरसाइकिल, इसकी जो मोटरसाइकिल थी उसको भी कहीं ले जाके और दूसरी जगह खड़ी कर दी और ये फिर अपने अपने काम में व्यस्त हो गए और पुलिस को तब तक जब तक इसकी डेड बॉडी नहीं मिली तब तक पता नहीं चला। मुकदमा दर्ज होने पे गहनता से अनुसंधान किया, उसके परिजन, मृतक के परिजनों से सारी चीज़ों की वस्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त की। उसके पिताजी ने जिस तरह से बातें हुई वो सारी बताई कि किस तरह से उसके पास किसी का, संजय परमार का फ़ोन आया था और संजय परमार ने उसको कहीं बुलाया है और वो चला गया था। तो ये सब बातों को देखते हुए पुलिस ने इसमें गहनता से अनुसंधान किया, टेक्निकल और अन्य संसाधनों का उपयोग किया और पूरी टीम ने जो कि ट्रेडिशनल पुलिसिंग है उसके तहत अच्छे से इंट्रोगेशन और पूछताछ करके और इस वारदात को खोला है। मैं अपनी इस टीम को इस अच्छी कार्रवाई के लिए पुरस्कृत भी किया जाएगा। कारण क्या था सर मर्डर के? कारण जहाँ तक, दो कारण इसमें सामने आ रहे हैं। पहला कारण तो ये है कि जो आरोपी है ये कोई कोचिंग संस्थान चलाता है और इसने कोचिंग संस्थान के साथ साथ ही जिस तरह से आजकल पास करने की गारंटी टाइप का जो मामला है तो इसने रीट की परीक्षा में नंबर दिलवाने या STC करवाने टाइप के काम के लिए करता था और इस मृतक को इसने झांसे में लेके और कुछ लोगों से इसने भी मृतक से भी इस काम के लिए पैसे प्राप्त किए। और दूसरा कारण, चूँकि ये पैसे प्राप्त करने के बाद वापस लौटाने की नौबत आ रही थी तो ये एक बड़ा कारण था। दूसरा कारण सामने ये भी आ रहा है कि उस आरोपी की बहन का कोई उसको शक था कि मृतक के साथ कुछ है। इसके साथ में और कौन कौन साथी थे जिन्होंने इस दौरान पार्टी करने अकेले गया था? या नहीं, दो साथी और थे जिनके नाम है, एक तो पुष्कर है और एक दिनेश है, तो इन दोनों की भी पुलिस तलाश कर रही है। फिलहाल ये अभी हमारी गिरफ्त से दूर है लेकिन शीघ्र ही इनको तलाश के दौरान भी कोई संलिप्तता पाई गई है? मतलब जिस तरह से दावे कर रहे थे कि 50,000 रुपये में हम पेपर उपलब्ध करा देंगे, ऐसा कुछ मिला है? नहीं, अभी उस एंगल पे कोई जांच नहीं हुई है। अभी तो अपना चूँकि मुख्य उद्देश्य मर्डर के अभियुक्त का पकड़ने का था, इसका एक कारण ये आया है जिसमें अभी ये उस एंगल तक बात नहीं पहुंची है।
गुमसुदगी के दौरान भी उसने पिता ने संजय एक नाम और ये जो नाम है इन पे आरोप जताया था किशक था, हाँ इस दौरान कुछ कार्रवाई नहीं हुई और ग्रामीण ने आक्रोश भी जताया था इस बात को लेकर के पुलिस थाना ने सपोर्ट नहीं किया था। ग्रामीणों ने टीम बना के अपने स्तर पर मोटरसाइकिल की पहचान की, ग्रामीणों ने ही लाश का पता लगाया। अब इसका तो मैं क्या जवाब दूँ, मैंने आपको बताया कि जिस तरह से पुलिस ने दिन रात करके और इस वारदात को खोला है और आपका जो कहना है कि सहयोग नहीं किया, तो ये तो मैं पूर्णतया निराधार मान रहा हूँ। जहाँ तक गुमसुदगी के बाद की भी तलाश की है, पुलिस ने पूर्णतया तलाश की है और बाकी तो आपके सामने है बात। कितने लोगों से पैसे लिए थे सर? अभी इस संबंध में कोई ज़्यादा जानकारी हुई नहीं है।